love you. पर मैं अपने पेरेंट्स से भी बहुत प्यार करती हूँ. अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई ना ऋत्विक, तो उनकी इज्जत सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा. मैं सब संभाल लूंगा. मंजीत आंटी, मैं पलक को यहाँ से ले जाने के लिए नहीं है. मैं पलक से साथ कदम तोड़ लूंगा. लेकिन पलक को उसके मंडप पे ले जाने का हक है मेरा. प्लीज ये हक मत छीनिए मुझसे. मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगी. नेवर. We'll be right back.
सब सही कहते थे ऋत्विक नून, तू यही डिजर्व करता है। इट्स ऑल कमिंग बैक टू यू। एक लड़की मिली थी जो तुझसे सच में प्यार करती थी, इतनी बेइज्जती की तूने उसकी। यू टुक फॉर ग्रांटेड, उस पर विश्वास नहीं किया। ऑब्वियसली यू डिजर्व दिस। आई अग्री। वाह, मैं पागल भी हो गया हूँ। ऋत्विक नून, द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, इज नाउ ऑफिशियली द मोस्ट पागल बैचलर। या आई डिजर्व इट। सच में खड़ी हूँ यहाँ पे। क्यों खड़ी हूँ यहाँ पे? क्यों किया तुमसे प्यार? क्यों इतनी स्टुपिड थी कि इतना प्यार किया तुमसे? अपने सवाल का जवाब तुमने खुद ही दे दिया। तुम स्टुपिड थी इसलिए तुमने मुझसे प्यार किया। इट्स ट्रू, मैं लकी था, मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैंने सब खो दिया बेवकूफी की वजह से, अपनी गलती की वजह से। इस बार तुम्हारी गलती ले ली मैंने अपने सर पे, और अगली बार की ना तो मैं ही छोड़ूंगी। यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल वन। मतलब छोड़ दी शादी? कि नमन से शादी? हाँ, तुमने व्हाट यू मीन, तुमने शादी नहीं की? हाँ, नमन ने। एक मिनट बंद कीजिए। पलक, मैं करना चाहती हूँ। मेरी मानो तो मत, तुम बहुत लकी हो। तुम जिससे प्यार करती हो वो जिंदा है, इस दुनिया में है। If you love him, don't leave him, please. मम्मी ये तो क्या बोल रही है? मम्मी जी, ये उससे कितना प्यार करती है इसकी की आंखों में दिखता है। पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन ऋत्विक का इससे कोई लेना देना नहीं है। प्लीज आंटी जी, प्लीज, मुझे सब पता है। बारात भी आ गई है, ऊपर से दूल्हे का नाम भी गलत टाइप किया है। दूल्हे का नाम ऋत्विक है? मुझे तो लगा था मेरा नाम नमन है। ये नाम क्यों लिखा है? अभी तो ऋत्विक बोला गया था। किसने? एक लड़के ने। लेकिन वो तो उसका पास था ना। बात सुनो पलक, इस शादी का टूटने का गिल्ट अपने अंदर मत पालो। लेकिन नमन बेटा, ऋत्विक पलक का पास्ट है, वो पूरे मन से तुमसे शादी करना चाहती है। प्लीज आंटी जी, प्लीज, आप लोगों के मन से कर रही है वो, मुझे पता है। इसमें पलक की बिल्कुल भी मर्जी नहीं। पलक, इन सब लोगों की बातों को छोड़ो और मेरी सुनो। जस्ट गो, गो। नहीं पलक, तू नहीं जा सकती। आपकी जिद आपकी बेटी की खुशियों से बढ़ के। हाँ पलक, किसी की मत सुनो, बस जाओ यहाँ से यार। नमन जी सही कह रहे हैं, जा पुत्र, वहीं जा जहाँ तेरी खुशियां हैं। तैनू अपनी जिंदगी ओदे नाल बितानी है पुत्र, साडे नाल नहीं, जा। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, तुम्हारी जिद तुम्हारी बेटी की खुशी से ज्यादा बड़ी नहीं है। तू सिर्फ अपने दिल की सुन। थैंक यू। Sure?
I'm sure. I swear Palak mein mar jata. I swear to God. Ritwik Noon? Huh? Will you marry me? Tum stupid ho. Obviously. Of course I'll marry. Koi prenup sign nahi karungi. Khana bhi nahi banaungi main. Main khaunga hi. Nahi chahiye. Agar kisi girlfriend ko contact kiya na, to jaan le lungi. Kaun si girlfriend? Jo yaad bhi nahi kiti thi. Jab se tum aayi ho. Nahi chahiye. Are you sure? Yes, I'm sure. Stupid. सुनो हाँ पर एक चीज करूंगी मैं क्या तुमसे बहुत प्यार हेलो एवरीथिंग इस रिलेशनशिप के लिए सब कुछ कर तुम चाहो भी ना मुझे छोड़ के जाने की तो मैं जाने नहीं दूंगा छोड़ के जाऊंगी नहीं मॉम डैड माहौल देख के तो लग रहा है कि सलीम अनारकली का मिलन हो चुका है लेकिन जो मैं इतनी देर से पार्किंग लॉट में वेट कर रहा हूँ उसका क्या हाँ बस बन गए इनके सही है तो भूल गए मुझे भैया वो सब ठीक है लेकिन अब क्या करना है अब शादी करूंगा और क्या आई मीन अगर अंकल अलाउ करेंगे तो भाई मेरी हाँ है थैंक्स अंकल मुझे लगा था कि आप भी नमन तुमने उसे ऐसे क्यों जाने दिया लोग क्या सोचेंगे प्लीज मॉम हम लोगों के लिए कब तक जीते रहे कभी तो अपने लिए जिए वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते आई थिंक जो हुआ बहुत अच्छा हुआ तो फिर चलते हैं अंदर क्योंकि अंदर मंडप भी है मेहमान तो ऑलरेडी अंदर ही है ना और दुल्हन दूल्हा थोड़ा सा चेंज हो गया बट वी कैन स्टिल मैनेज राइट तेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के ऐसे लगता नहीं कि मुझे रिस्क लेना चाहिए वो एक्चुअली अंकल मेरी वजह से बहुत कुछ हुआ है आपको भी तकलीफ पहुंची और आंटी को भी और जब भी मैंने पलक को वादा किया कि मैं उससे शादी करूंगा मैं घर नहीं पाया हूं अब बहुत हो गया आई वांट टू गेट मैरिड तुम्हारे पेरेंट्स उन्हें बुरा नहीं लगेगा अंकल उनकी भी तो गलती थी ना इसमें उन्हें ये प्रीनप वाली बात नहीं पता है एंड आई एम श्योर कि स्पेशली डैड को जब प्रीनप के बारे में पता चलेगा तो वो पलक को अपनी बेटी की तरह एक्सेप्ट करेंगे मैं सब संभालूंगा अंकल अब पापा मम्मा अरे मंजीत को मैं बनाऊंगा ना तू टेंशन मत ले हाँ मेरी शादी में मंडप तीन चार बार सजे और तू साले इतना लकी है कि किसी और के सजे मंडप में शादी करने जाए तू ऋत्विक नून नहीं है ना चल आज मेरे भाई की शादी है ये कमाल के लोग हैं तो इतने फिल्मी कितना ड्रामा यार प्यार करते हो एक दूसरे से तो एक दूसरे के साथ ही रहोगे ना एनीवे मंडप भी बना है पंडित भी है और गेस्ट भी है कर लो शादी एंड का असली हकदार तू है कॉलेज से सुना था तेरे बारे में Thanks. Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garuda Dvaja Mangalam Kunjarekaksha Mangalayatano Harihe Aap mein pushp lijiye झुकना नहीं हाँ। पहले बता रहा हूं अगर आज झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा सही बोल रही है देखिए नहीं नहीं
क्या ऋत्विक पलक के साथ शादी करें? हाँ, कहा तो मैं सोच रहा था कि ऋत्विक और अनन्या की शादी होगी और यहाँ तो वो पलक से शादी करने जा रहा है और ये बीपी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। डैड मॉम के साथ बहुत बिजी हैं। मॉम इज नॉट वेल, लेकिन आप उन्हें फोन मत कीजिए। आई हैंडल इट। ऋत्विक की वो खबर? I have some news. ऋत्विक पलक से शादी कर रहा है। क्या? विकी शादी कर रहा है? हमारे बिना? विजय जी, शांत हो जाइए। Don't overreact. What overreact? वो पलक के साथ शादी कर रहा है? अब तक तो उसके फेरे भी हो चुके होंगे। वो क्या करता? उस लड़की से प्यार करता है विजय जी। मॉम आप उसके एक्शंस को जस्टिफाई मत कीजिए। दिस इज नॉट अबाउट जस्टिफिकेशन ऋषभ। सची इसका मतलब अपने बाप और उस लड़की के बीच उसने उस लड़की को चुना। विजय जी वो आपके पास आया था। ममता जी तुहानू कुछ पता भी है? बेबे ने पूछो, मैं जान वाला थी उस कुड़ी ते कार उन्हें लोगों के नाल गाल करान वास्ते, लेकिन उसने तो उस लड़की के लिए हम सबको पराया कर दिया। एग्जैक्टली दैट, आपने हर मैटर में उसे सपोर्ट किया है, इस मैटर में भी सपोर्ट किया था, लेकिन उस लड़की ने और उसके परिवार वालों ने अपना असली रंग दिखा दिया। उस लड़की के लिए उसने आपको धोखा दिया है डैड। अपनी प्रेजुडिसेस को कोई भी उनके रिश्ते पर हावी होने नहीं देगा। अगर उसने पलक से शादी की है सो वी विल एक्सेप्ट पलक, गेट दैट? मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी शादी होगी। प्लीज और कोई नौटंकी नहीं वरना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, बता रहा हूँ। मम्मा आप हमेशा से चाहते थे ना कि मेरी शादी हो, आप मेरे लिए इतने रिश्ते लेके आए पर मैंने कभी किसी के लिए हाँ नहीं कहा। पता है क्यों? कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, पर आज जिससे मुझे प्यार हो गया है उससे मेरी शादी कर ली है। मम्मा आप प्लीज मेरे लिए खुश नहीं हो सकते? मेरे पास तेरे लिए एक वेडिंग गिफ्ट भी है। मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ। अरे तुम्हारे मानने न मानने से क्या होता है, शादी तो हो चुकी है ना। नहीं बिल्कुल, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, ये शादी कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ये आशीर्वाद दे दी अपनी बेटी को शादी के लिए। मैं बद्दुआ नहीं दे रही। कोई बद्दुआ नहीं लगने दूंगी, मुझे और ऋत्विक को कोई अलग नहीं कर सकता।